नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। गोपाल जी, अभी हाल ही में आपने समरसता सम्मेलन कराया था, क्या उद्देश्य था उसका? समरसता सम्मेलन करवाने का उद्देश्य था कि एक आधुनिक और विकसित जयपुर के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करना, संकल्प लेना एक ऐसा जयपुर बनाने का जिसमें आम आदमी का सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहे और सत्ता से सीधी भागीदारी हो। सत्ता से सीधी भागीदारी हो। राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें, राजनीति के परिदृश्य में कैसे देखते हैं आप मौजूदा राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को, खासतौर पर राजस्थान की अगर बात करें? राजस्थान की राजनीति को मैं इस कदर देखता हूँ कि कोई भी सरकार शासन में रही हो, किसी भी पार्टी की, सब अपने हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें अच्छे की हमेशा गुंजाइश होती है। और अच्छे की गुंजाइश का मतलब है कि एक ऐसा सपना हमें हमेशा देखना चाहिए कि आम आदमी को लगे कि सरकार उसकी है, उसका वजूद है, उसका महत्व है, उसकी आवाज सुनी जा सकती है। लेकिन कोशिश तो पार्टियों की तरफ से ऐसी की जाती है, लेकिन फिर भी अगर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 साल में ही सरकार बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, जनता का भरोसा नहीं जीत पाते राजनीतिक पार्टियां जो है। हाँ, इसके लिए लगातार प्रयत्न होने चाहिए और उसी दिशा में वही संकल्प लेने के लिए समरसता सम्मेलन था। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या आने वाले भविष्य में राजनीति में जा सकते हैं गोपाल शर्मा जी? हाँ, क्यों नहीं। निश्चित तौर पर एक पत्रकार भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके समाज की अच्छाई के लिए कार्य करता है और राजनीति उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य देती है। अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो ये ठीक ही है, आम आदमी के हिसाब से भी ठीक है और एक पत्रकार के लिए भी ठीक है। पहले होता था कि सिर्फ जो राजनीतिक परिवार है उन्हीं के परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते जाते हैं और एक पीढ़ियां चली आती थी, लेकिन आज काफी बदलाव देखने को मिलता है। जब आईपीएस आईएएस अधिकारी भी हैं वो भी चुनाव मैदान में आते हैं, राजनीतिज्ञ बनते हैं ताकि समाज की सेवा कर सके। इस परिवर्तन को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें दोनों तरह की बातें हैं। एक तो धीरे धीरे वंश का, परिवार का, संप्रदाय का, जाति का प्रभाव घटता जा रहा है। आम आदमी के मन में उजाले की किरण है क्योंकि वो देखता है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार से निकले हुए हैं। और दूसरी तरफ राजनीति की शुरुआत यानी चुनावी शुरुआत भी जब हुई है तो उसकी प्रेरणा के केंद्र महात्मा गांधी थे जो जर्नलिस्ट रहे हुए थे, मदन मोहन मालवीय थे वो जर्नलिस्ट रहे हुए थे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी जर्नलिस्ट थे। बिल्कुल, एक पत्रकार राजनीति में अगर आए तो वो कैसे और बेहतर कर सकता है दूसरे लोगों की अपेक्षा? इसलिए कि उसका जो जुड़ाव है वो सिद्धांतों के साथ है, उसका जुड़ाव नैतिकता और कर्मठता के साथ है, तो उसको ये पता है कि मैं जब किसी के लिए अच्छा लिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, तो राजनीति में आने के बाद में मुझे अच्छा ही करना चाहिए। तो आपको लगता है कि उतना सपोर्ट एक आम आदमी को मिलेगा राजनीति में, क्योंकि जहां पर वंशवाद की बात कही जाती है, जहां पर पैसे से भी मजबूत होना जरूरी होता है, ऐसे में क्या आम आदमी भी सोच सकता है कि वो चुनाव लड़े और जीत कर सेवा करने के लिए आए राजनीति में? आम आदमी देश का राष्ट्रपति है, आम आदमी देश का प्रधानमंत्री है, तो आम आदमी क्यों नहीं आगे बढ़ने की सोचे। बिल्कुल, और अगर गोपाल शर्मा की हम बात करें जिन्होंने कहा अभी अभी कि अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल भी चुनाव में आ सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, क्या आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? हाँ, अगर पार्टी विचार करती है तो क्यों नहीं। क्या उद्देश्य आपका रहेगा चुनाव? मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादिता को संबल प्रदान करते हुए, उसमें अपनी सेवा करते हुए, अपनी नैतिकता, कर्मठता और परिश्रम पर रंच मात्र भी आँच नहीं आने दी है, वही मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि राजनीति में सुचितापूर्ण राजनीति को बल प्रदान करने का, जहाँ धन को कोई जगह नहीं होगी, जहाँ बाहुबल को कोई जगह नहीं होगी, वहाँ पर आम आदमी के प्रेम को जगह होगी और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का संकल्प होगा। आपने कहा मौका मिला तो बिल्कुल आप भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे, मौका किसकी तरफ से? मौका तो पार्टियां देती हैं। यानी कोई भी पार्टी अगर आपको मौका देगी तो आप नहीं, आ जाएंगे? कोई पार्टी नहीं। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरा राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम है, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, तो निश्चित रूप से हर पार्टी तो देगी नहीं क्योंकि ये विचारों वाली बात हो जाती है। हाँ, विचारों का मतलब तो सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय देश की जनता को प्रेरित किए हुए हैं, सारा देश उनके नेतृत्व में एकजुट है,
तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं उनके साथ में सहभागिता निभाई जाए। बिल्कुल, अलग अलग नए नए लोग भी आ रहे हैं राजनीति में और सेवा करने की बात कही जाती है, पहले तो कही जाती है लेकिन राजनीति में आने के बाद सोच भी राजनीतिज्ञों जैसी हो जाती है। गोपाल शर्मा अगर राजनीति में आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ ऐसा वो बेहतर करना चाहेंगे इस प्रदेश के लिए या देश के लिए जो अब तक नहीं किया गया हो, कैसा विजन है आपका इस? देखिए, मुझे वायदा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 35 साल का पत्रकारिता जीवन उसका गवाह है। दूसरी चीज है कि जब भी जयपुर में किसी भी तरह का मौका आया है, जब भी जयपुर की तरफ से किसी सहभागिता करने का अवसर आया है, चाहे वो गुजरात भूकंप हो, चाहे वो किसी तरह की अन्य कारगिल का युद्ध हो, उस समय जयपुर को लीड करने के लिए मैंने जो अपनी कर्मठतापूर्ण भूमिका होनी चाहिए, जो सेवा की भूमिका होना चाहिए, जो सेवक की होनी चाहिए, वो हमेशा निभाई है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने निभाई है, लेकिन अगर राजनीति की हम बात करें, सर आपकी बात नहीं करते लेकिन राजनीति के जो है भी, आपको क्या लगता है क्या कमी नजर आती है उनमें? पत्रकार के जरिए से भी निभाई है और जनता के बीच में उतर कर भी निभाई है। जैसे कि कारगिल युद्ध के अंदर अपने राजस्थान के 70 शहीद हुए, उनके 70 शहीद परिवारों को एक जगह बुलाकर एक मंच के ऊपर सम्मानित करने का काम केवल जयपुर में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में। तो उस समय भी मैं आगे था और जो अलग रहेगा मेरा वो ये रहेगा कि लोगों को ये लगेगा कि एक हमारा आदमी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सर ये बातें तो राजनीतिज्ञ भी कहते हैं, जो चुनाव में आता है वो ये बातें पहले कहते हैं, कैसे जनता आप पर भरोसा करे? जनता इस तरह से भरोसा करे, जैसे जयपुर में ऑपरेशन पिंक हुआ, एक आम आदमी को परेशानी हुई और एक बड़े घराने को, बड़े मतलब होटलों को, 5-स्टार होटलों को उससे तकलीफ नहीं हुई। मैं सड़क के ऊपर उतरा और मीडिया के जरिए और जनता के जरिए इतना व्यापक विरोध हुआ कि सरकार को ऑपरेशन पिंक वापस लेना पड़ा। मतलब मेरा ध्यान यहां तक रहता है कि जयपुर के अंदर जब राजपथ बना तो मैंने कहा कि यह स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र है, तो यहाँ पर जनपथ होना चाहिए और सरकार को उसको जनपथ करना पड़ा। तो ये पहले से ही है, जब पत्रकार के तौर पर भी काम करते थे आपका कहना ये, तब भी आप जनता के बीच में सेवा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जीवन उसी के लिए बना हुआ है। मेरे लिए पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने का एक जरिया है। और आमजन की अगर हम बात करें, ठीक है आम लोग हैं, मौके मिलते हैं तो वो भी आके आते हैं और कई वर्चस्व की भी लड़ाई इसमें देखने को मिलती है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आप बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं प्रदेश के विकास को लेकर भी, लेकिन मौका मिलने की बात है कि अगर आपको मौका दिया जाता, अगर मौका नहीं दिया जाता किसी पार्टी की तरफ से, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अपने देश में संसदीय सिस्टम जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के आधार पर बना हुआ है, तो उसमें हम ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं, मजबूत होके, ज्यादा मजबूत होकर, ज्यादा मजबूत होकर के अगर पार्टी से जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से आपने विचारों की बात की कि राष्ट्रवाद आपका विचार भी है और उसी तरह से आप आगे काम करना चाहते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना आपका उद्देश्य नहीं? चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए आतुरता नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए लालसा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने, जीतने और जनता के लिए काम करने की दृढ़ता है। 25 सीटें हैं राजस्थान से, उम्मीदवारों का चयन भी किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से, अब उनके अपने मापदंड होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ईमानदारी से, आपको क्या लगता है कि क्या मापदंड होने चाहिए एक उम्मीदवार के तौर पर ताकि जनता को वो समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके? उसके मापदंड सही देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्धारित किए हुए हैं कि वंश, परिवार, संप्रदायवाद, जातिवाद के खिलाफ ही लोकतंत्र को असली सूरत दी जा सकती है। तो टिकटें उनको मिलनी चाहिए जो जनता के बीच के हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, बेईमानी जिनके रोम रोम में नहीं है। और अगर गोपाल शर्मा को टिकट मिल जाता है और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो एक मिसाल साबित करेंगे, एक सेवक साबित होंगे, जिस तरह से अपनी माँ के प्रति, पिता के प्रति आस्था होती है, वही आस्था आम जन के प्रति रहेगी जो मैंने पत्रकारिता के दौरान निभाने की कोशिश की है। चलिए गोपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर, क्या सोचते हैं समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, वो विचार भी हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।